बहिष्कार और न मतलब वो जो पहले वाले जो बताते ना कि जात बाहर वो केवल बाहर छोड़ जा रहे तीन लड़की उसकी है पर अपनी बच्ची को कैसे रखा ऐसे उन्होंने तो प्लान जैसा करा था उसकी बच्ची को कैसे रखा दुर्घटना यहाँ पे डेढ़ महीने यहाँ रही भी थी फिर उसको समझा बुझा का पेरेंट्स लोग कहते हैं कि यार होता है छोटा मोटा काम ये सब गए थे उसके अंकल और उसकी मम्मी ये सब वहाँ समझाने समझा बुझा के फिर वो अब हम यहाँ पे और सबसे बड़ी बात ये कि जब दुर्घटना हुई तो घर वाले सूचना देते हैं नहीं वो एक दिन पहले पूरी रिहर्सल करके आया पर नहीं वो उसी दिन 25 तारीख को देखने का कि कहाँ था फिर वो शाम को रात को 8:30 बजे अब उनने बंद गाड़ी है ना अभिषेक से क्योंकि वो बनता है उसके बाद में मुख्यमंत्री से भी ज्ञापन दिया है कि इस लड़की के लिए आप जो क्योंकि जनरली वो तो बेटियों के लिए करते हैं तो किया जाए इससे बात है कि बड़वानी समाज में ही अगर आप लोग हर घर से अगर ज़्यादा नहीं 100-100 रुपये भी अपन करते हैं तो उस बच्ची का जो समाज के कोई बड़े लोग हैं उनको आके अपनी समस्या आके बताएं और माँ बाप ने भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है तो नहीं बेटी आपको ससुराल जाना ही है माँ बाप को सहयोग देना चाहिए कि लड़की को अपने घर आकर समस्या से निपटने का सहयोग करें तो ये हो ब्राह्मण समाज में किसी भी बेटी के साथ में किसी के भी साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए तो हमें इसे कंटिन्यू करना है और ये लड़ाई सिर्फ 4 दिन की नहीं जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती है तब तक हमें कंटिन्यू लड़ना है आखिरी तक लड़ना है चाहे वो सालों साल के लिए मतलब हमें लड़ना पड़े सामने आना पड़े लेकिन हमें लड़ना है अपराधी उसको देख के कांपे कि भाई यस अब नहीं होना चाहिए और आज मेरी भी बेटी है उसके साथ ऐसा कुछ करे तो हर माँ की बच्ची को परिवार की ओर से ससुराल पक्ष से थोड़ी तो सहायता मिलनी चाहिए परिवार में कोई समस्या होने किसी बेटी या बहू को हमारे घर की बात बाहर नहीं जाना चाहिए समाज क्या बोलेगा लोग क्या बोलेंगे कि कौन में ताने मारे प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहिए और बहू हो या बेटी हो तो भी इसमें सामंजस्य होना चाहिए इस सबके लिए हम सबको उस सबके लिए हम बहुत आभार लेंगे पर जो हुआ वो बहुत दर्दनाक और दुखद है इसके लिए जो यदि ऐसा काम करता है तो उसको उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए दंड तो आवश्यक है और दंड अगर नहीं मिलता है तो सामने वाले की तो ताकत और बढ़ने लगती है और ऐसे उनके देखा कि और लोग खड़े हो नहीं न्याय दे तो सर पूरा ब्राह्मण समाज मिलकर न्याय दिलवाएगा और वो तो एक अलग मैटर है मतलब पूरे ब्राह्मण समाज में एक ऐसा कानून बनना चाहिए ये जो दुआ को दुआ ने जो बोला है ये पूरा मतलब मैं लिख के लाई थी घर पर कि घर की बहू बेटी या बेटा अगर कोई बेटा भी प्रताड़ित हो रहा है बहू से कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं रखूँगी मुझे नहीं रखना है अगर ऐसा भी प्रताड़ित होता है तो वो भी जाकर न्यायालय में बात कर सकता है और वहाँ पर समझौता हो सकता है निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ सिकोट ब्राह्मण समाज के और आप लोग सब पर्यटन करने में आप लोग आगे
गरिमा के न्याय के लिए हम इंदौर से बड़वानी आए थे, और बड़वानी में श्री शुक्र समाज की जो महिला संगठन है उनकी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। जी जी, आपने बड़वानी वासियों ने समाज ने बहुत एक बड़ा जिगर दिखाया है और गरिमा के न्याय के लिए बहुत सारे आंदोलन भी करे हैं, उसका परिणाम भी निकला है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गरिमा के बेटे को भी न्याय मिले और गरिमा की जो हत्या है जी, जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और गरिमा की बेटी को न्याय मिले, उसको आर्थिक संरक्षण यदि मिलता हो सरकार की तरफ से जी, तो गरिमा की बेटी को मिले। हाँ, हमारे साथ एक और पदाधिकारी मौजूद है, आपका नाम बता दें। श्रीमती वीणा रावत जी, आप क्या चाहते हैं कि गरिमा के परिवार और बेटी जो समृद्धि है उसके भविष्य के लिए क्या किया जाए? जी, ब्लॉक अध्यक्ष, आप क्या चाहते हैं कि उसके बेटी जो है समृद्धि, उसके लिए क्या कह रहे सरकार या समाज से क्या अपेक्षा रखती हैं? जी जी जी,